हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है विजुअल स्टूडियो के ऊपर, विजुअल बेसिक का। यहाँ पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं, और सिंपल वे में कहें तो अगर आपने .NET या विजुअल बेसिक सीख लिया, अच्छे से .NET सीख लिया, तो आपको एप्लीकेशंस बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आपने .NET सीख लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, और यहाँ दिया हुआ है कंसोल ऐप। अगर आप कंसोल ऐप पे क्लिक कर देते हैं तो भी यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, ये देख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो भी सेम आउटपुट आपका आएगा। ये देख सकते हैं, ये जो प्रोग्राम लिखा है इसके लिए जो है ये आउटपुट आया हुआ है। अगर आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो केवल यहाँ पर चेंज करना होगा। ये जो हेलो लिखा ना, सिर्फ हेलो को चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूंगा, लाइक KUMAR कुमार, और फिर यहाँ लिख देता हूँ तिवारी। तो ये लिख दिया मैंने, और ये लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल वे में इसको रन करवाना है। जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीज प्रिंट होकर आई है, डबल यू हो गया है, सिंगल यू रखना है, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए, अब ये जो है इसको कंसोल एप्लीकेशन पर रन करवाता हूँ, तो ये यहाँ पर भी सेम आउटपुट हमें देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन बनाने की, इसको सीखने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो अगर होगा तो उस पर आप कोड कर पाएंगे। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, और इसको आप डाउनलोड कर लें। डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।